इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। लेकिन नावीन, मैं इस वक्त स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और मेरा 10 दिन का ये सफ़र था। और साथ ही साथ मैं कोई भी बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे अकेली आई थी, लेकिन यहाँ मुझे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो जो ख़वातीन खुद अकेली आना चाहती हैं, एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो वो आएँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसे नाम तो दे दिया गया है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं ऑपरेट हो रही है। तो ये सवालिया निशान है। और वो लोग जो कराची से आना चाहते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद कराची की हूँ, तो यहाँ पे कराची की फ़्लाइट्स भी ऑपरेट नहीं हो रही हैं। तो आपको स्कर्दू से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर कराची की तरफ जाना होगा। ओवरऑल अगर मुझसे एक्सपीरियंस की आप बात करें, तो यहाँ के लोगों में बहुत हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है। मैंने यहाँ रह के, मौजूद होके मेरी सहाफ़ी दोस्तों से बातचीत की, उनके साथ मैंने लंच और डिनर किया। साथ ही साथ खरमंगा के डिप्टी कमिश्नर से भी हमारी मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात भी काफ़ी दिलचस्प थी, इंटरेस्टेड थी। और अब मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, वहाँ पे हमारा जो है वो डिपार्चर होगा और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी। जाने में काफ़ी टाइम लग गया था, मैं काफ़ी देर तक खड़ी हुई थी, लेकिन ये मेरा बैग है और अब मैं इस बैग को लेके जाऊंगी। फिर यहाँ से मुझे कराची की फ़्लाइट लेनी है, जो कि 2 घंटे के बाद है। और मुझे मेरी गलती दोस्त भी मिल गए हैं, जिनसे मैं कपड़ों में मिली थी, और वो जा रहे हैं और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। इससे पहले वो मुझसे बात कर रहे थे और हम उससे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि उनकी फ़्लाइट कैसी। अच्छा जी, मेरे साथ मेरी गलती भाई मौजूद है और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और दुकान की बात है, मेरे साथ ये फ्लाइट में मौजूद। सबसे पहले तो ये बताया जाती है कि फ्लाइट कैसे गई। मैंने बहुत ज़बरदस्त रही, क्या है के साथ बहुत अच्छी सफर रही, आप लोगों के साथ अच्छी सफर। अच्छा, आपसे जो मेरी मुलाकात हुई थी, तो आप एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, तो बताइएगा वो एनजीओ क्या इकदाम ले रही है और एनजीओ के बिना पे जो वहाँ की खवातीन हैं उनमें कितना शोर आया है। जी बिल्कुल, आप हमारे सेशन में आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। आप हम मशहूर हैं कि आप हमारे खवातीन की जो सेशन है उसमें आए, उन लोगों को इंस्पायर किया। तो हमारे एनजीओ दरअसल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल यूनियन काउंसिल पर एक मुआविन तंजीम है, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। तो इसमें हमारे अभी तक बाहर से डोनर हमें फंड कर रहे थे, तो वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस हवाले से सक्सेसफुल। जी नाज़रीन, तो आपने आसिफ भाई की बात सुनी, उनसे मेरी कपड़ों में मुलाकात हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ की लोकल खवातीन के लिए।
चलो नवीन, फाइनली 5 घंटे का जो हमारा सफ़र था अब ख़त्म हुआ और मैं कराची एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ देर में मेरा लगेज भी आ जाएगा, लगेज का वेट कर रहे हैं। और ये था हमारा सफ़र जो हमने आपको दिखाया। अब जो आगे का सफ़र है वो हमारा हमारे घर जाने है। मैं अपने घर जाऊँगी और अगर ज़िंदगी ने दोबारा साथ दिया ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके शहर, आपकी सिटी में मैं फिर से विज़िट करूँगी। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि स्कर्दू से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, मेरा विज़िट काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन इसमें जो एक अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी वो ये थी कि फ़्लाइट ऑपरेशन इस वक्त कराची से इस्कर्दू कोई फ़्लाइट नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हमें एक दो दिन इस्लामाबाद में करना पड़ रहा है। एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे इस पूरे स्टोर में लगी और मैंने आपको बता दी। आप जरूर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।